दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की वो कार्यकारिणी की सूची आज जारी हो चुकी है जिसका लंबे समय से इंतजार है। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कल यानी कि बुधवार की देर शाम को अपनी वो कार्यकारिणी की लिस्ट जारी कर दी, जिसके अंदर कि उन्होंने तय कर दिए अपने पार्टी के जो नए 10 जिलाध्यक्ष बदले। इसके साथ साथ उन्होंने वो नाम भी तय कर दिए जिनको कि पार्टी का अब प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने जारी कर दी वो सूची भी जिसके अंदर कि पार्टी के तमाम प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश के सचिव और तमाम पोस्टों पर जो लोग लिए गए हैं। अगर आप संगठन की सूची पर नज़र डालें तो भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी की जो टीम तैयार हुई है वो टीम कई संदेश देने के लिए काफ़ी है। नई जो टीम बनाई गई है, जो नई सूची जारी हुई है, वो सूची कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि उस पर पूरी तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नज़र जरूर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं मुख्यमंत्री जी के जो नज़दीकी सहयोगी जिन्होंने कि राज दरबार छोड़ दिया हो, जिन्होंने कि मुख्यमंत्री के सलाहकार का पद छोड़ करके और पार्टी के संगठन की राजनीति में जाने की तैयारी की थी, जब उस सूची में उनका नाम नहीं आता तो फिर कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार पूरे देश के अंदर मंथन के दौर पे है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा ऐसे ऐसे लोगों को सामने ला रहे हैं और पुराने लोगों को ठिकाने लगा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर भी अगर आप उस सूची पर नज़र डालें तो आपको लगेगा कि हरियाणा भाजपा की जो नई कैबिनेट तैयार हुई है, हरियाणा भाजपा की जो नई संगठन की टीम तैयार हुई है, वो कोई संदेश देने के लिए काफ़ी है। अगर आप देखें तो सूची में जवाहर यादव का नाम नहीं है जो मुख्यमंत्री के ओएसडी थे, जिन्होंने कि ओएसडी का पद छोड़ा, लोग कहा करते थे, राजनीतिक गलियारों में चर्चा चला करती थी कि प्रशासनिक सूत्रों में बात होती थी कि जवाहर यादव क्योंकि अब पार्टी के प्रदेश महामंत्री या संगठन के अंदर जाएंगे इसलिए उन्होंने ओएसडी का पद छोड़ दिया। लेकिन जब सूची जारी हुई तो उसमें जवाहर यादव का नाम नहीं था। जब वो सूची जारी हुई तो उसके अंदर मनीष ग्रोवर का नाम भी नहीं था, जो रोहतक के पूर्व विधायक हैं, मनोहर सरकार के पूर्व मंत्री हैं। कहा तो ये जाता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बहुत खासम खास माने जाते हैं, लेकिन मनीष ग्रोवर का नाम भी उस सूची से गायब हो गया। उस सूची के अंदर कई वो नाम भी नहीं थे जो प्रतीक्षित थे, जिनके लिए कहा जाता था कि इनको महामंत्री बनाया जा सकता है, इनको प्रदेश सचिव के पद पर लिया जा सकता है। अगर उस सूची के अंदर देखें तो एक नाम फरीदाबाद से विपुल गोयल का आया, जो हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, आजकल जगह जगह प्रचार करते हैं कि भाई अगर पार्टी जो है, पार्टी आला कमान उन पर विश्वास जता सकता है, उनको टिकट दे सकता है। हालांकि कृष्णपाल गुर्जर के नज़दीकी लोग कहा करते हैं कि विपुल गोयल जी को क्योंकि फरीदाबाद में स्पेस नहीं मिल रहा, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपनी क्योंकि फेसबुक और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दें। लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नाम विपुल गोयल का आना वो भी एक संदेश देता है, और जो विपुल गोयल के समर्थक हैं उसको भी कहीं वो बड़े में लेकर के चल रहे हैं। इसके साथ साथ और अगर नामों पर जाएं तो पुराने जो जिलाध्यक्ष थे गोपाल शर्मा, उनके स्थान पर राजकुमार बोहरा को पर जिलाध्यक्ष बनाया गया फरीदाबाद का। और अगर आप बात पलवल की करें तो बहुत इंटरेस्टेड बात पलवल से निकलती है। इंटरेस्टेड बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ओपी धनखड़ साहब ने बनाया था चरण सिंह तेवतिया को, और चरण सिंह तेवतिया पिछले 3 साल से भाजपा के जिलाध्यक्ष थे। नायब सिंह सैनी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी और उससे पहले भी बड़ी चर्चाएं चलती थी कि चरण सिंह तेवतिया को जिलाध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है, उनकी छुट्टी हो सकती है। और उसके पीछे कारण ये चलता था कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता रहे हैं, प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, पलवल के विधायक हैं दीपक मंगला, कहा जाता था कि दीपक मंगला किसी भी सूरत में चरण सिंह तेवतिया को जिलाध्यक्ष पद के कुर्सी पर पसंद नहीं करते। कहा जाता था कि दीपक मंगला ने पूरी फील्डिंग बिठा दी है कि चरण सिंह तेवतिया की छुट्टी होनी तय है। दीपक मंगला के दरबारी तो नाम भी तय किया करते थे कि फलां आदमी जिलाध्यक्ष बन सकता है, जिन लोगों के नाम जिलाध्यक्ष पद के लिए गए थे, हालांकि जनाधार के नाम पर देखा जाए तो वो लोग नगण्य जरूर थे, लेकिन जिस प्रकार दीपक मंगला के दरबारी समाज के अंदर और लोगों के बीच बात किया करते थे कि चरण सिंह तेवतिया के स्थान पर नया जिलाध्यक्ष बनना तय है। वैसे आपको बताएं तो खाली ये कहने की बातें भी नहीं थी, कई बार ऐसे मौके सामने आए जिसके अंदर की ये बात निकल कर आई कि जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया और विधायक दीपक मंगला में कहीं टसल्स रहती हैं।
इसके साथ साथ कई बार ये बात भी सामने आई कि विधायक दीपक मंगला ने अपने साथ में जो पलवल जिले के और बाकी विधायक हैं प्रवीण डागर और जगदीश नायर, उनके साथ मिलकर के कुछ ऐसी फील्डिंग सेट कर दी है कि तीनों विधायक जब अगर जाकर विरोध की बात करेंगे तो संभवतः जिलाध्यक्ष बदल जाएगा। लेकिन अगर मान लें तो चरण सिंह तेवतिया, जिन पर कृष्णपाल गुर्जर जी का हाथ माना जाता है कि कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, पलवल फरीदाबाद के सांसद हैं, सीधा वरदहस्त उनका चरण सिंह तेवतिया पर रहा है। और कृष्णपाल गुर्जर के नज़दीकी सूत्र तो ये भी कहा करते थे कि चरण सिंह तेवतिया को बदला ही नहीं जाएगा। मैं आपको भी बता रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ कृष्णपाल गुर्जर चरण सिंह तेवतिया की बात करते थे बदला नहीं जाएगा, तो दूसरी तरफ भाजपा के जो पलवल के विधायक दीपक मंगला हैं उनके दरबारी हर जगह एक बात कहा करते थे कि चरण सिंह की छुट्टी होना तय है। अगर उन दरबारियों से निकली सूत्रों की खबर को माने तो विधायक दीपक मंगला ने अपने जो और साथी सहयोगियों के सहयोग से जो नाम भी दिए थे, वो नाम भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहे, उनमें पूर्व जिलाध्यक्ष का नाम भी था। हालांकि उसके अंदर एक ऐसा नाम भी कई बार सामने आया कि उनको जिलाध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिन्होंने कि शहर की छोटी सरकार संभालते हुए भाजपा की नीतियों को, भाजपा के कार्यक्रमों को पलीता लगाने में भी कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन क्योंकि बात ही आती थी कि क्योंकि विधायक जी के दरबारियों से बात निकलती थी, तो फिर कहीं ना कहीं उस पर विश्वास भी होता था कि शायद वो नाम भी दिए गए हों। लेकिन खैर, अंतोगत्वा हुआ ये कि चरण सिंह तेवतिया पलवल के जिलाध्यक्ष बन गए। अब जब चरण सिंह तेवतिया जिलाध्यक्ष बनते हैं और माना यह जाता है कि कृष्णपाल गुर्जर का उनको वरदहस्त था, आशीर्वाद था, तो फिर आशीर्वाद तो गोपाल शर्मा के साथ भी कृष्णपाल गुर्जर का रहा है, लेकिन उनके जिलाध्यक्ष पद से छुट्टी हो जाती है। और इसके साथ साथ क्योंकि विपुल गोयल इस समय सबसे धुर विरोधी माने जाते हैं कृष्णपाल गुर्जर के, लेकिन विपुल गोयल की संगठन में बतौर प्रदेश उपाध्यक्ष एंट्री हो जाती है। इसके साथ साथ अगर हम पलवल जिले की तरफ एक बार वापस चलें तो पलवल के विधायक दीपक मंगला पिछले संगठन के अंदर, यानी कि जब ओम प्रकाश धनखड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, तो दीपक मंगला पार्टी के प्रदेश के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उनकी उस कोषाध्यक्ष पद से भी छुट्टी हो गई। अब मान लिया जाए, अगर इसके साथ साथ अहिरवाल की तरफ भी देखें तो अहिरवाल के अंदर कहीं ये संकेत सामने आ रहे हैं कि राव इंद्रजीत कमजोर हो रहे हैं। कहा यह जा सकता है कि राव इंद्रजीत जी के लोगों को संगठन के अंदर जगह नहीं मिली, जबकि सुधा यादव के समर्थक कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाने में कामयाब हो गए। कुछ ना कुछ छाया धनखड़ साहब की भी जरूर है, क्योंकि जीएल शर्मा वापस अपनी जो प्रदेश उपाध्यक्ष की पद की कुर्सी है उसको बचाने में कामयाब रहे हैं। इसके साथ साथ संतोष यादव जो पूर्व विधायक हैं, विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रही हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष हो गई हैं और दुर्विरोधी मानी जाती हैं वो भी राव इंद्रजीत सिंह की। तो मान लीजिए कि जिस प्रकार का संगठन बना है, संगठन की जो टीम तैयार हुई है, ये संदेश देने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीति में मंथन का दौर हमेशा चलता रहता है, चाहे वो केंद्र के लेवल पर हो और चाहे वो मंडल और ब्लॉक के लेवल पर हो। वैसे आपको क्या लगता है कि नायब सिंह सैनी ने जो नई टीम बनाई है उसके अंदर तमाम जातिगत समीकरण भी साधे गए हैं, दलित से लेकर ब्राह्मण तक, जाट से लेकर गुर्जर तक, एससी और ओबीसी, ओबीसी पंजाबी ब्राह्मण बनिया, सभी को जिस प्रकार से संजोया गया है, तो क्या 2024 के रण में जब लोकसभा और विधानसभा का रण होगा उसके अंदर नायब सिंह सैनी की टीम कितनी कारगर साबित होगी? आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की जोड़ी मिलकर के क्या हरियाणा के अंदर एक बार फिर हैट्रिक की तरफ ले जाएगी, और क्या जो पिछला प्रदर्शन था 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, क्या वो सभी 10 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से भाजपा का परचम फहरा सकता है, और या फिर ये अग्नि परीक्षा हो सकती है नायब सिंह सैनी की टीम और मनोहर टीम के लिए? और इसके साथ साथ पिछली बार 75 पार का नारा देकर 40 सीट पर अटकने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में 80 पार का जो नारा वो बुलंद कर रहे हैं, 75 और 80 पार का, उसमें कितनी कामयाब हो सकती है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इसी प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहे देश रोजाना।